नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्दी लाइफ टिप्स में। तो आज जिस विषय में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है मखाना, जिसे इंग्लिश में फॉक्स नट्स बोलते हैं। हम में से बहुत सारे लोग मखाने को व्रत में ही खाते हैं, जबकि आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मखाने को अगर रोजाना खाया जाए तो इसके कितने स्वास्थ्य लाभ हैं। और हाँ दोस्तों, जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम वजन कम करने की बात करते हैं तो ऐसे में सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है भोजन। मेरा मतलब है कि क्या खाएं जिससे हमारा वजन भी ना बढ़े और पेट भी भर जाए और हमारा भोजन टेस्टी भी हो। तो इन शॉर्ट, मेरा आज का ये वीडियो बहुत मददगार होने वाला है हम सब के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मखाने को खाने के स्वास्थ्य लाभ कुछ इस प्रकार है। मखाने में सोडियम की मात्रा कम होती है, जबकि पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत होती है, जिस वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। दूसरा, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, जिस वजह से ये हमारे हड्डियों और दांतों के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। तीसरा, मखाने में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो शरीर के अंदर पुराने सूजन को कम करने में मदद करती हैं। चौथा, मखाना एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाद्य पदार्थ है, जिस वजह से ये डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है। पांचवा, कैल्शियम और आयरन की प्रचुर मात्रा होने की वजह से इसका प्रेगनेंसी के दौरान सेवन करना अच्छा होता है। छठा, मखाना खाने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है और चुस्ती फुर्ती आती है। सातवां, मखाने में एंटी एजिंग तत्व होते हैं, जो बुढ़ापे के असर को कम करने में मदद करते हैं। आठवां, मखाने खाने से पाचन तंत्र मजबूत बनता है। इसमें मौजूद एस्ट्रोजन गुण दस्त से राहत दिलाते हैं, इससे मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव रहता है। नौवां, मखाना खाने से शरीर में मौजूद विटामिन्स की कमी पूरी होती है, इससे शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। दसवां, मखाने में कैलोरी और वसा कम मात्रा में होती है, इसलिए खाने से मोटापा नहीं बढ़ता, ये भूख को भी नियंत्रण करता है। ये तो हो गई मखाने की स्वास्थ्य लाभ के बारे में। अब जानते हैं सेवन करने की सही विधि। अगर आप रात को सोने से पहले दूध के साथ मखाने का सेवन करें तो इससे तनाव दूर होता है और अनिद्रा की समस्या भी दूर हो जाती है। आप मखाने को भूनकर खा सकते हैं या उन्हें थोड़े देसी घी में काला नमक डालकर फ्राई कर सकते हैं। आप इसे नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं। आप मखाने का खीर भी बनाकर खा सकते हैं, जो कि एक संपूर्ण आहार के तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। हमें मखाने के पौष्टिक तत्वों के बारे में जानना जरूरी है, तो आइए चार्ट के माध्यम से जानते हैं मखाने में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों के बारे में। मखाने में पाया जाने वाला पौष्टिक तत्व कुछ इस प्रकार है। पानी 14.16 ग्राम, टोटल एनर्जी 332 किलो कैलोरी, प्रोटीन 15.41 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 64.47 ग्राम, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम 163 मिलीग्राम, आयरन 3.53 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 210 मिलीग्राम, फास्फोरस 626 मिलीग्राम, सोडियम 5 मिलीग्राम, जिंक 1.05 मिलीग्राम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।